एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो हम हो गए तैयार बराती जाने के लिए। पीछे मम्मी है, ये बहन है, तो हम लोग जा रहे हैं बराती। तैयार हो चुके हैं, पीछे बरात है, भी आ रहे हैं। तो अभी आपका देख रहे हैं लेडीज़ के साथ। हम बैठ गए अपने जीजू के साथ, लास्ट टाइम के साथ, दादा के साथ। ये लोग ही मिले हमको, हम बैठ गए। हाय दादा, दादा हाय। अच्छा आ रहा ना जीजू, गाड़ी कितनी मस्त लग रही। कौन चलने लगी गाड़ी? ये है सिमल का, यहाँ हमने पढ़ा था जी। ये है हमारे स्कूल गेट, ये वाला इंटर कॉलेज। हम वहाँ से आते थे, देखो यहाँ ये बहुत आते हैं। ये देखो यहाँ का व्यू देखो। हाँ सीन देखो, कितना मस्त लग रहा है ना। ये है सवारी, ये नीचे गैरखाल है। यहाँ से नीचे को रोड गैरखाल जाती है। नहीं मैं ये है डोलकोट का मंदिर, बहुत माना है। और ये है डोलकोट चुके हैं अभी, यहाँ से 55 किलोमीटर आगे। और मंदिर देखो टॉप में कितना अच्छा लग रहा है, जैसे गर्जिया होता है ना, गर्जिया का मंदिर है ना, वैसे नहीं लग रहा टॉप में। अभी रुके हैं हम खैरना पे, वो भी जाएंगे। इतने बैठे हैं पास, भाई लोग भी बैठे हैं। तो हम कह रहे अभी छोले समोसे, क्योंकि मैं तो घर पे नाश्ता करके आई थी। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है छोले और समोसे, खाते हैं उसके बाद जाते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम खैरना की रोड पे, आगे भाई लोग जा रहे हैं। और मैंने अपने लिए खाने की चीज़ ले ली है, क्योंकि मुझे बिना खाए स्वाद नहीं आता है।
और ये है भाई, क्या है, कितना किलोमीटर दूर है? 33। कितना? 33। बराते जा रही है अल्मोड़ा गांव में। गाँव के रास्ते गाँव में और पीछे से आ रहे हैं मम्मी लोग, मामी लोग, हमारे लोग मतलब बहुत जने हैं। तो एक तो मेरे को गाड़ी में आते आते एक होगी बहुत ही ज़्यादा, तो चलते हैं आगे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है छोटी मामी, ये है छोटे मामी। हेलो जोड़ी, कैसी लग रही है? खतरनाक वाली चेहरा अच्छी लगी है। तो हम लोग पहुँच गए हैं, बाकी गेट पर खड़े हुए हैं। अभी राजा आएंगे तब हमारी भी एंट्री होगी, वरना तो हमें भी कहाँ एंट्री मिलेगी। हमें बैठे लग गए, हम पहुँच गए हैं, मम्मी लोग भी गए हैं, मामी मामी अच्छा मामी। ये देखो मेरी प्यारी मामी। तो यहाँ पे आने लगी है दुल्हन, अब दी है जयमाला, अभी दिखाते हैं। तो यहाँ दूल्हे राजा को बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वो है वो उधर। अरे पीछा हो भाई, जगह दो जरा। ऐसे रहना भैया, ओके डन। यहाँ पे हो रही है खाना खिलाने की रस्म, उधर पानी मामी जी और दूल्हा दुल्हन थोड़ा बहुत थोड़ा दे। सो फाइनली हम घर को जाने लग गए हैं, क्योंकि शादी होने में तो बहुत टाइम है और वैसे भी सर दर्द वगैरह हो गया है। तो चलते हैं घर को, मिलते हैं अभी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रोड पर, हवा चली है बहुत ही तेज और बिल्कुल मन नहीं है अब रहने का यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि कब गाड़ी आती है, मतलब गाड़ी तो है ड्राइवर कब आते हैं। तो चलते हैं घर को, बाय बाय। सो फाइनली फ्रेंड हम घर आ गए थे, कब का पहुँच गए थे 5:30-6 बजे के आसपास। और उसके बाद क्योंकि मेरी तो एक तो इतनी दांत दर्द होगी ना, मैं बीच का ब्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर पाई। और अभी हम आ गए हैं रूम पे, और रूम देखिए हमारा कैसा फैला पड़ा हुआ है सारा, क्योंकि शादी में ऐसा होता है बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हो पाता। तो अभी मैंने तो अपने कपड़े वपड़े तय करके रख दिए हैं, बाकी और के फैले हुए हैं। तो अब जाते हैं हम वहाँ शादी वाले घर में, थोड़ा डांस करते हैं। और उसके बाद अभी शायद सुनने में आ रहा था कि बारात आ गई है, खैरना पहुंच चुकी है। तो हम जाते हैं, मिलते हैं और मिलाते हैं आपको दुल्हन से। बने रहें ब्लॉग पर, बिल्कुल स्किप मत करना। और प्लीज़ यार, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मिलाती हूँ आपको दुल्हन से। आ चुकी है दुल्हन, मामा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
हम आपको तुरंत भी दिखाएंगे। पीछे पीछे हम तो जैसे चलते।